देखिए, मारवाड़ी और थोरो ब्रीड की राइडिंग में मैं जो अंतर मैं जो फील करता हूँ वो ये है कि मारवाड़ी का जो कडांस है, जो उसके स्टेप की फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। जब वो राइड करता है तो जैसे ही आप ट्रॉट से कैंटर पे जाते हैं, कैंटर से गैलप पे जाते हैं मारवाड़ी पे या इवन अरबियन घोड़े पे, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, उसमें आपको फील नहीं होएगा। जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं तो कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो जैसे ही गियर चेंज होता है तो वो झटका देती हैं, तो मारवाड़ी जो घोड़ा है वो इतना स्मूथ है कि वो आपको पता भी नहीं चलता कि कब उसने गियर चेंज कर लिया, कब उसने वो ट्रॉट से कैंटर पे आ गया। वो उसका कडांस है, उसका जो स्मूथनेस है उस घोड़े की, वो थोरो ब्रीड में आपको नहीं मिल सकती। मेरे पास एक अरबियन अर्जेंटीना का पोलो पोनी है, मैं उस पर राइड करता हूँ तो वो ऐसा लगता है जैसे आप फट्टे पे राइड कर रहे हो, तो वो इतना कंफर्ट फील नहीं करवाता। और जब वो ऑल आउट दौड़ते हैं, जब वो फुल गैलप पे होते हैं, तो जो ऊपर बैठा जो राइडर है उसको लगता है कि जैसे ही मैं गिरूंगा तो ज़मीन की तरफ जाऊंगा। और जबकि मारवाड़ी पे जब आप राइड कर रहे होते हैं तो जब गैलप पे जाता है तो आगे से उसका जो वेदर पॉइंट है वो ऐसे ऊपर की तरफ होता है, ऐसे फील होता है कि मैं कॉन्फिडेंस में कि मैं गिरूंगा नहीं। ये उस घोड़े में सबसे बड़ी क्वालिटी है मेरे हिसाब से मारवाड़ी। थैंक यू।